5.1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 पार्ट 2 जो है वो पंजाब बोर्ड्स के रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूड है क्वेश्चन नंबर 2 का. सो हम इसको सॉल्व करते हैं. इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 2. सो फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वेशन 1, एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सो इसकी जब हम इक्वालिटी इक्वेशन लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, सो वो हो जाएगी एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5, राइट? इक्वल्स टू 5 है. सो अब इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है. एक्स इंटरसेप्ट के लिए हमने वाई को 0 बराबर रखना है, तो ये एक्स प्लस 0 इक्वल्स टू 5. सो एक्स इक्वल्स टू 5. एंड वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स की वैल्यू 0 रखनी है. सो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 5. सो 5 इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू 5. सो ये हमारे पास एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गए. देन वी नीड टू फाइंड वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. सो इक्वेशन नंबर 1 में हमने x और y दोनों 0 पुट कर दिए, y एंड x दोनों 0 पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 में. सो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5. सो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 विच इज ट्रू, विच इज सॉरी फॉल्स, के 0 इज ग्रेटर देन 5. ये बात फॉल्स है कि 0 5 से बड़ा नहीं है. सो ये इक्वेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व कर लिया कंप्लीटली यहां तक. देन इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं. अच्छा, इसका ग्राफ भी बना लेते हैं साथ ही. इंडिविजुअल ग्राफ भी बना सकते हैं और कंबाइन ग्राफ भी दोनों इक्वेशन का बना सकते हैं. सो इंडिविजुअल ग्राफ में ये 5 पे है, 1 2 3 4 5, एंड ऑन वाई एक्सिस ये भी 5 है, 1 2 3 4 एंड 5. सो आपने इस 5 को और इस वाले 5 को मिला दिया, राइट? और क्योंकि ये फॉल्स है तो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी. अगर ट्रू होता तो इस तरफ होती शेडिंग ओरिजिन की तरफ, ये क्योंकि फॉल्स है तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगी, राइट? नाउ इक्वेशन नंबर 2 पर आते हैं. इक्वेशन 2 इज माइनस एक्स प्लस वाई. सो इक्वेशन टू इज माइनस वाई प्लस एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1. सो इसको पहले अरेंज करते हैं. एक्स माइनस वाई इज लेस देन 1. इसकी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं हम लोग. करेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो होती है जिसमें हम इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं. सो अब इसकी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट. एक्स इंटरसेप्ट इज जब हम वाई 0 पुट करेंगे तो एक्स माइनस 0 इक्वल्स टू 1. सो एक्स विल बी इक्वल टू 1. और फॉर वाई इंटरसेप्ट एक्स इक्वल्स टू 0. सो माइनस वाई इक्वल्स टू 1. सो वाई विल बी इक्वल टू माइनस 1. सो एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गए. ट्रू है या फॉल्स चेक करने के लिए हम लोगों ने इसमें एक्स और वाई दोनों 0 पुट कर दिए. सो 0 माइनस 0 इज लेस देन इक्वल टू 1. सो 0 लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू. 0 छोटा है 1 से तो ये ट्रू है. सो अब इसका ग्राफ, एक्स पे आपने 1, सो 1 2 3 ग्राफ में प्रॉपरली स्केलिंग करके इसका ग्राफ बनता है वैसे तो. और वाई पे माइनस वाई, तो ये पॉजिटिव वाई है तो ये डाउनवर्ड जो होता है ये नेगेटिव वाई, नेगेटिव 1 नेगेटिव 2. सो एक्स पे हमारे पास पॉजिटिव 1 है और वाई पे नेगेटिव 1 है. सो पॉजिटिव 1 एंड नेगेटिव 1 वी नीड टू ज्वाइन देम. और ये जो इनको ज्वाइन करने से ये लाइन बन जाएगी. बिकॉज ये ट्रू है तो ट्रू के लिए शेडिंग ये इनवर्ड आ जाएगी टूवर्ड्स ओरिजिन, राइट? ये टूवर्ड्स ओरिजिन. अगर फॉल होता तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन होता. नाउ वी नीड टू ड्रॉ कंबाइंड ग्राफ जो इन दोनों इक्वेशन को एक ही ग्राफ पे रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होगा, राइट? सो उसके लिए हम लोग एक कंबाइंड ग्राफ बनाते हैं. कंबाइंड ग्राफ, कंबाइंड ग्राफ के लिए हम लोगों ने कंबाइंड ग्राफ बनाया. इस पे आप इसको नंबरिंग दे दो 1 2 3 प्रॉपरली. वन वन स्केलिंग से भी कर सकते हैं इसको 4 5 6 और यहां पे 1 2 3 4 5 और वाई पे -1 -2 -3. सिमिलरली यहां पे नेगेटिव आएगा लेकिन वो अभी यूज नहीं है तो इसलिए हम नहीं बना रहे.
जो फर्स्ट लाइन थी हमारी वो फ्रॉम 5 to 5 थी, तो 5 to 5 सो अगर हम इन्हें मिलाएं, ये 5 to 5 ये लाइन बन जाएगी। दिस इज लाइन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 जिसकी वैल्यू x प्लस y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 थी। एंड द सेकेंड इक्वेशन इज माइनस y प्लस x लेस देन इक्वल टू 1। सो ये 1 और माइनस 1 के दरमियान बन रही थी, तो हम लोग इसको अगर यूं बनाएं, सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन राइट। सो जिसकी वैल्यू माइनस y प्लस x लेस देन इक्वल टू 1 है। ओके अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कंबाइंड ग्राफ को शेडिंग रीजन कौन सा होगा, बिकॉज इक्वेशन नंबर 1 फॉल्स थी तो इसकी शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन थी, और इक्वेशन नंबर 2 ट्रू थी तो इसकी टुवर्ड्स ओरिजिन थी इस तरफ राइट। सो अगर हम देखें तो इसकी शेडिंग अवे यहां पर है, और इसकी शेडिंग अगर इसको ब्लू से शो करूं इक्वेशन नंबर 1 की शेडिंग को, और इक्वेशन नंबर 2 की शेडिंग को अगर मैं रेड से शो करूं, क्योंकि वो फॉल्स थी तो मैंने अवे फ्रॉम द ओरिजिन है, ये ट्रू है तो टुवर्ड्स ओरिजिन है। सो हम देख सकते हैं कि जो इनकी कंबाइन रीजन बन रहा है वो ये वाला बन रहा है, जिसमें रेड लाइन भी आ रही है और ब्लू लाइन भी आ रही है। तो आप लोगों ने ये वाली रीजन और ये वाला रीजन शेड नहीं करना, बिकॉज ये सिंगल ब्लू है और ये सिंगल रेड है। आपने जस्ट ये कंबाइन रीजन शेड करना जिसमें ब्लू और रेड दोनों आ रहे हैं, सही है, बाकी शेड करने की जरूरत नहीं है राइट। सिंपली अगर मैं रफली ड्रॉ करूं तो आप लोग अगर इसको यूं बनाओगे फ्रॉम 5 to 5, सो एक लाइन हमारे पास यूं बनेगी लाइन नंबर 1, और दूसरी 1 to -1 ये एक लाइन यूं बनेगी हमारे पास। सो ये इक्वेशन नंबर 2 की है, 1 की है, तो इनका कंबाइंड रीजन सिर्फ आप ये शेड करोगे राइट, ये शेड नहीं करोगे, ये तो सिर्फ समझाने के लिए जो कंबाइंड रीजन है वो शेड होता है राइट।